हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करें कि रिंग एप्लीकेशन लोन को अप्लाई कैसे करें। जैसे कि आपको पैसों की जरूरत पड़ रही है तो रिंग बेस्ट एप्लीकेशन है जो कि आपको आसानी से लोन प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर लोन रिजेक्ट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अगर अच्छे तरीके से लोन को अप्लाई करोगे तो आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली आ जाएगा। लेकिन आपको लोन को अच्छे तरीके से अप्लाई करना होता है, कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है, जिससे कि आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। और अगर अमाउंट की बात करें तो रिंग एप्लीकेशन में आपको 5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल जाता है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रही हो तो आपको 5 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर मिल जाता है। आपको कितने अमाउंट की जरूरत है उतना आप अमाउंट यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप लोन अप्लाई कैसे करोगे, पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपको वास्तव में अभी लोन लेना है रिंग ऐप से तो इस वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान समझना। मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा उसी प्रोसेस से आपको लोन अप्लाई करना है तो आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की कि लोन अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान समझना। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में रिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि मैंने इसको ऊपर की साइड में स्क्रॉल कर दिया तो अगर आप इसके आज के टाइम पर अगर इसकी डाउनलोडिंग की बात करें तो इसके देखा 10 मिलियन प्लस की डाउनलोडिंग है आज के टाइम पर, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है और उसको अभी के टाइम पर यूज कर रहे हैं। और अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो इसको 3.9 की रेटिंग मिली हुई है और देख सकते इसका रिव्यू है 652 के लोगों ने इसको रिव्यू दिया हुआ है, यानी जो बेस्ट एप्लीकेशन है जिस पर आपको आसानी से लोन इजीली मिल सकता है। और देखो अगर मैं बता दूं अगर आप रिंग एप्लीकेशन लोन ले रहे हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, जैसे कि मैंने इसके आर्टिकल पर क्लिक कर दिया तो यहां पर साफ-साफ मेंशन करके रखा हुआ है। जैसे कि देखा मैंने आर्टिकल पर क्लिक किया है, अगर आप इसको ऊपर की साइड में स्क्रॉल करें साफ-साफ मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम लोन आपको 5 लाख रुपए तक का मिल सकता है और वो भी सिर्फ अंडर 5 मिनट में। 5 मिनट्स में आपका लोन अप्रूव्ड हो जाता है। और अगर उसकी ईएमआई की बात करें तो उसकी ईएमआई को आप 3 महीने से लेकर 24 महीने तक की, आप 24 महीने तक की ईएमआई को बना सकते हो, जो कि बेस्ट एप्लीकेशन है। और देखो इसमें आपको साफ-साफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहां पे मेंशन किया गया है। यहां पे देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है। क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप इस लोन को अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, कम से कम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए तभी आप इस लोन को अप्लाई कर पाओगे। और अगर इसके डॉक्यूमेंट की बात करें तो सिर्फ आपको पैन कार्ड चाहिए और आधार कार्ड चाहिए, बस आपके पास दो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड है, तो आप रिंग एप्लीकेशन लोन को अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि रिंग एप्लीकेशन लोन को अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको ओपन पर क्लिक करना। अब मैं आपको जो बताऊंगा वही तरीका आपको फॉलो करना है। सबसे पहले ओपन करेंगे, अब ओपन करने के बाद देखो मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके दिखा रहा हूं, तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान समझना। अब आपके सामने सेम टू सेम ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिंग एप्लीकेशन कुछ यहाँ पर जानकारी देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 35,000 रुपए तक की लिमिट मिल जाती है, जो कि इंस्टेंट आपको क्रेडिट कर दी जाती है लिमिट। और अगर इसमें अगर आप लोन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लोन 5 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको पावर लोन बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो पर क्लिक करोगे फिर से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा गेट स्टार्टेड, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने इस तरीके से आ गया, इंडियाज फेवरेट ट्रांजेक्शन क्रेडिट ऐप है, एकदम इंडिया का फेवरेट एप्लीकेशन है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। देख सकते हैं हमें थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, तो सबसे पहले आपको ओटीपी यहाँ पर डाल देना। देख सकते हैं ओटीपी यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। दोस्तों अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, सेम टू सेम आपके सामने यही वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आएगा यूजर डिटेल्स। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होगा। कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद आपको लास्ट नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ का, देख सकते हैं ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, जो कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर है। उसके बाद आप जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं मेल है या फीमेल है, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके मैरिटल स्टेटस क्या है, आप यहाँ पर सिंगल हो या फिर मैरिड हो, ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कंपनी कोड मांगे तो ये ऑप्शनल, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको सारी डेटा फिल करने के बाद आपको इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, कैप्चे को फिल करना है, इस पर टिक करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपनी सारी डिटेल्स को डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ अपनी सारी डिटेल्स को फिल कर दिया, उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे अभी थोड़ा सा लोडिंग लेगा, इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा, तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे आप वेट करोगे
करोगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से होम पेज लोडिंग हो रहा है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर देख मेरा नाम आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का लोन का ऑफर दिया गया है। सो दोस्तों देख सकते हैं इसी तरीके से आपको जो भी ऑफर दिया जाएगा वो आपको होम पेज पर शो हो जाएगा। और देख सकते हैं ओनली 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं इसको अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ इस 2 लाख रुपए के अमाउंट को। और देख सकते हैं सारा प्रोसेस यहाँ पर डिजिटल वेरिफिकेशन होने वाला है, 100% पूरा डिजिटल प्रोसेस होने वाला है। आपका जो भी आपको ऑफर शो होगा आपकी डिटेल्स के अनुसार वो आपको होम पेज पर शो हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर ये भी लिख के आ रहा है लिमिटेड टाइम ऑफर है, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको तुरंत अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे ये लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने परमिशंस मांगे तो इन सारी परमिशंस को आपको रीड करके यहाँ पर अपसेट कर लेना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया रीड अपसेट, उसके बाद आपको सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। मैं आपको जो सही तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको काम करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑफर सेलेक्ट कर रहा है, हमारे लिए यहाँ पर ऑफर फाइंड कर रहा है हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑफर रहेगा। तब तक आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, यहाँ पर आपके लिए ऑफर सजेस्ट कर रहा है। दोस्तों अब आपके सामने इंटरफेस आएगा, यहाँ पर क्या लिखा है केवाईसी डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा देख सकते हैं फेंच आधार कार्ड डीजी लॉकर, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा डीजी लॉकर से आपको यहाँ पर आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको सैरो पर क्लिक करना है, जैसे आप सैरो पर क्लिक करोगे अब आपके सामने आएगा डीजी आधार इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना है और यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये आपको कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जैसे आप इस नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है, अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। उसके बाद आप अपने इस 2 लाख रुपए के अमाउंट को सक्सेसफुली आप अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हो। तो दोस्तों केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा फिर से। तो आपके सामने अब इस तरीके से इंटरफेस आएगा पावर लोन इन 2 स्टेप, ये 2 लाख रुपए का अमाउंट है सिर्फ आपके 2 स्टेप में इसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट करना है, यानी बैंक अकाउंट को ऐड करना है, उसके बाद आपको वेरीफाई अपनी डिटेल्स को बेसिक डिटेल्स को फिल करना है, उसके बाद सक्सेसफुली ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दोस्तों इस प्रकार से आप रिंग एप्लीकेशन लोन को अप्लाई कर सकते हो और आप लोन ले सकते हो। जैसे पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव दिखाया है, मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनको केवल मैं आपको डेमो दिखाता हूं कि आप लोन को किस प्रकार से ले सकते हो। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना, कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।